लो जी मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वो कहते हैं अच्छा वक्त तो नानों में कभी भी आ सकते हैं, तो इस वजह से हम गए और हम दोबारा भी वापस आ गए। कोई बात नहीं, चलती रहती है इस तरह की चीजें, और इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइव शो में बहुत अर्सा हो गया था, वैसे हमारे शो में इस किस्म की कोई डिस्कनेक्टिविटी नहीं हुई थी, तो आज मजा ही आ गया, वो कहते हैं स्वाद दुबाला हो गया। तो अपनी हम डिस्कशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने इसको रोका था और जहां पे हमने इसको जो है फुल स्टॉप लगाया था। एंड वंस अगेन वेलकम बैक एजाज भाई एंड अहमद, आई होप क्या ठीक ठाक होंगे दूसरे पार्ट में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो बेसिकली उस टाइम जब हम डिस्कनेक्ट हुए थे, मैं आप लोगों की थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुन रहा था और इजाज भाई थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे कि अब हमारे बेसिकली जज्बों में वो खलूस नहीं रहा है, वो मोहब्बत नहीं रही है, वो इंटेंसिटी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, जिस इंटेंसिटी के तहत हम एक दूसरे के साथ जब मिलने जुलने जाते थे, आपस में फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत ज्यादा होते थे, फिर एक दूसरे को त्योहारों पर हम विश करते थे, एक दूसरे को हम लोग कार्ड्स भेजते थे और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी। आजकल की जो अभी वही बात आती है जो अहमद थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो आजकल के जो नए न्यू मिलेनियल्स हैं, ये बहुत ज्यादा अपने एम्बिशियस होने के साथ साथ ना बहुत जल्द रिजल्ट चाहते हैं उन चीजों का जिनका जिनके लिए शायद उनको भी एंटर हुए हुए कुछ अर्सा हुआ होता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गए हुए कुछ अर्सा होता है, और बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। मैं एक हमेशा बात कहता हूँ अहमद, हम लोग बेसिकली, और इजाज भाई आप तो डेफिनेटली लेजेंड है, तो हम लोग बेसिकली उस दौर में बड़े हुए जिसमें हमें घोट घोट के ये पिलाया गया, ये बताया गया कि भाई तुमने अगर जिंदगी में अपने ख्वाब पूरे करने आगे जाना है ना, तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने जूते घिसाने पड़ेंगे, अपने अपना रंग खराब करना पड़ेगा और अपने आप को मारना पड़ेगा, तब जाके तुम जो है वो अगर कोई मेहनत करोगे तो तुम्हें उसका आउटपुट रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अब माशाल्लाह से जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह डॉक्टर साहब से भी डिस्कशन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी चीजें बहुत आसान की है न्यू जनरेशन के लिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए 5 लाख और से ज्यादा लोगों को जो है ये मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ऑनलाइन चीजों ने लोगों के ख्वाबों को एक घर तक नहीं लिमिटेड कर दिया, अब वो घर बैठे बैठे अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उमेर भाई और अहमद फवाद भाई, कि मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूँ किस तरह हमें कन्फाइन किया जा रहा है, किस तरह हमें कूजे के अंदर बंद किया जा रहा है। ये एक मैं नहीं समझता कि किसकी चाल है, किसका प्लान है, उस पर नहीं जाते, लेकिन क्या क्या जो है वो चीजें देखने में आ रही है। एक जैसे मैं अभी अहमद फवाद साहब के सवाल का जवाब दे रहा था, उसमें मैंने देखा कि कहा कि जी अब मुबारकबाद के कार्ड्स जो है ना वो ई कार्ड्स आते हैं, ठीक है। फिर हम सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं उसके अंदर, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो सोशल मीडिया का इंटरनेट का हम सही इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं। घरों के अंदर बैठे हुए एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं हम, कि यार खाना बन गया, खाने पे आ जाओ, या जी आज गोश्त चाहिए, गोश्त लेकर के आना है, फला करना है जी, फला की पार्टी में जाना है, इतने बजे तुम लोग रेडी हो जाना, हालांकि वो लोग दूसरे कमरे के अंदर मौजूद है जी। मैं एक मिसाल कोट करता हूँ कि एक मेहमान खातून आई, उनके साथ एक उनकी ग्रोन अप बेटी थी, वो आई दोनों हमारे बैठी घर में ड्राइंग रूम में, और थोड़ी देर में उनका जो फोन है वो डिंग डिंग हुआ, तो उन्होंने देखा और देख करके कहती है अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा भी क्या हुआ, किसका मैसेज था, क्या हो गया, खैर तो है। तो वो कहने लगी कि हाँ ये बेटी का मैसेज कह रही है, अब बहुत देर हो गई घर चले। अच्छा, वीडियो गेम्स की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो गेम्स में क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स के अंदर लगे रहते हैं, कमरे के अंदर बंद रहते हैं, कान के ऊपर कंट्रोल चढ़ाया हुआ है, और मुस्तकिल वो आंखें उनकी जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर है या गेम कंसोल के ऊपर है, और वो मुस्तकिल उसके अंदर लगे हुए हैं, उसके अंदर उनका जहन भी परागंदा हो रहा है, उनकी जो कार्पल टनल डेवलप हो रहा है उनको हाथों के अंदर, उनके जोड़ खराब हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, टाइम का वेस्टेज हो रहा है। वो टाइम अगर कहीं और जगह इस्तेमाल करते तो वो बेहतर होता। शॉपिंग को ले लीजिए आप, अब आपको अमेजोन पे या किसी भी और ब्रांड पे आप जाइए और आपको घर बैठे आपकी चीजें मिल जाती, सारी चीजें अवेलेबल होती। वो कहाँ चली गई हमारी जो ह्यूमन वैल्यू, हमें इंसान बनाया है, इंसान कहते हैं सोशल एनिमल है, सोशल मीडिया एनिमल नहीं है, एक सोशल एनिमल है जिसको आपस में सोशलाइज करना जरूरी है। ये तो मुझे नहीं पता कि कब जुमे की नमाज भी ऑनलाइन होगी,
लेकिन होती है, लोग पढ़ते हैं। अब तो नमाज ही रह गई है कि जिसमें आप जाकर के लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं। लोग सही तरावियां बात, पढ़ते हैं बड़ा रेगुलरली, जो आपने सऊदी अरब के हिसाब से अपने आप को वो स्केड्यूल सेट किया हुआ है। और अच्छा पता है क्या बात होती है इसमें, आप लोगों को ना कन्विंस भी नहीं कर सकते, उनका अपना वो लॉजिक होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली अपना बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है उनका एक अपना हिसाब किताब है, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि ये चीजें बहुत ज्यादा अब हम लोगों को एक दूसरे से करीब लाने के साथ साथ दूर बहुत ले गई हैं। अहमद, मैं तो कहूंगा दूर बहुत लगी है उमर भाई, दूर बहुत क्योंकि हम लोगों से एक जो देखिए, अब आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम ठीक है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन है। अगर आप मुझसे आकर के गले मिलेंगे, मुझसे गले से गला मिलाएंगे, सीने से सीना मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, ये जो किनेस्थेटिक जो ये एक टच है, ये बहुत जरूरी है हमें बहैसियत इंसान के। क्या ख्याल है अहमद भाई आपका? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है एजाज भाई। मैंने खुद कुछ अर्सा पहले ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स ज्वाइन करना सीखा, ई लर्निंग पे हम लोग आ गए। हमारी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसका समझ लें 70% हिस्सा जो है वो कट होके तो सॉफ्ट स्किल्स पे आ गया। तो मुझसे एक डिस्कशन हो रही है उन दिनों में, हमारे जैज में मैं उन दिनों में काम करता था, यहाँ की हमारी जो पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनी जी जी है, मैं समझ गया जी, तो बिल्कुल उनके उनके एक डिपार्टमेंट के वीपी से मेरी डिस्कशन हो रही। तो मैंने कहा जी सारा कुछ ना 70% काम तो इधर आ जाएगा, तो आपके सॉफ्ट स्किल रह जाएंगे जो कि बहुत जरूरी हैं, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये सारा कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या। तो मैंने फिर उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा जी देखें जिस दिन अम्मा की जफ्फी की रिप्लेसमेंट आ गई ना बिल्कुल टेक्नोलॉजी में, उस बिल्कुल दिन हम सही बात, समझेंगे कि ये बड़ा एडवांस, बड़ा मिरेकल हो गया। अदरवाइज जो सही बात, रूटीन की अपग्रेडेशन है जो सोसाइटी में हो रही है, तो वो बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल की वो मोहब्बत प्यार सारा वो तो वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही सौकन बात, को वेलकम कहते हैं जी शो में। सौतन को वेलकम जी कहते हाँ। हैं। ये मैंने कहा हम लोग कितना बोलते हैं, मैंने कहा अब शायद खत्म हो गया शो, लेकिन नहीं खत्म हुआ, इतना बोल बंदे आप जैसी ना। जैसी इजाज भाई है मिल गया आ गई फौरन वापस। एग्जैक्टली बिंदिया, क्या हुआ भाई, मुझे कुछ करने दें, थोड़ा सा मुझे भी शो करने दें। बस नहीं, मुझे लगा कि बस सब मेरी जगह जाने वाले हैं, सब आजकल नीचू भी दे आजकल देंगे, ये अब वैसे ही बस आप बहुत इतनी आजकल ये वैसे ही बहुत इनसिक्योरिटीज का शिकार है। वैसे भी हम इतनी मुख्तलिफ सी शर्ट पहन के आ गए, तब तो ज्यादा डर लगा, मैं कहा नहीं यार अब तो वाकई जाना है, वो अब लाल तो जाना पहन के पड़ेगा। आते हैं इन्होंने, एग्जैक्टली हाँ, वो लाल अब तो शर्ट से जाना आजकल पड़ेगा मैंने जान मुझे। छुड़ाई हुई है, ब्रांड से थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, ब्रांड से हट गए। अच्छे अच्छी लग रहे बात हैं, है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, खतरे के निशान तो थे ही ना, लेकिन अब मुझे ज्यादा खतरा हो रहा है इस अच्छा मैं खतरे का निशान था बिंदिया, ठीक है ठीक है। क्या आप रूप बदल बदल के काम करने आ रहे हैं? बस कोशिश में हूँ, शायद कोई हो जाए। अच्छा ये एक तो तुम हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हो बिंदिया आके, बिल्कुल एग्जैक्टली हम अपनी डिस्कशन को वही कंटिन्यू करते हैं आपसे। मैं एक चीज, अच्छा वैसे आप ट्रेनिंग जब कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हर उम्र के लोग आप ट्रेन करते हैं, ठीक बिल्कुल है। ये मुझे बताएं कि बहुत सारी चीजें जो हम कहते हैं ना हमारे खमीर में शामिल हो गई हैं, हमारी जड़ों में शामिल हो गई हैं, उसमें कुछ हमारी आदतें भी हो सकती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं, अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, या कह लें कि कई कबार कई मैंने एक पिछले तो एक खातून को कोई 38 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की नाकामियों का सारा मलबा अपने वालिद मोहतरम पे डालते हुए देखा। 38 साल की तो उम्र, कहती कि मैं अपनी जिंदगी में अगर कामयाब नहीं हो सकी तो उसमें मेरे वालिद, हालांकि मेरी नजर में वो एक बड़ी लेम सी लॉजिक थी, बिकॉज आपके वालिद या आपके पेरेंट्स आपको एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जाते हो या प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, जो फैसले आप लेते हो वो फैसले आपके हाथ में होते हैं, वो किसी और के हाथ में नहीं ऐसा होते। ही है। बिल्कुल और उमेर वो अहमद फराज का ना मुझे बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर है कि शिकवा है जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात, तो आप रोने ही रोते रहेंगे, वालदेन को भी और दोस्तों को भी, सबके इसने ये बुरा कर दिया यार, एक शम्मा जला देते, आप अच्छा काम कर देते ना, आपने क्या काम कर दिया, अगली नस्लें ना रहे, वो पापा वो ना कहे कि अंकल अम्मा ने बुरा किया। अंकल बिल गेट्स का कहना है ना कि तुम अगर गरीब पैदा होते हो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो वो तुम्हारे कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही है ऐसे ही। और अब जरूर कहूंगी कि समटाइम्स पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, खास तौर पे लड़कियों के लिए, बिल्कुल करते हैं, समटाइम्स नहीं, हमेशा करते हैं। हाँ
हमेशा करते हैं नहीं वही ना मतलब हम कहते हैं ना कि हम खुद कुछ कर लेते हैं लेकिन आज मैं जो कुछ हो गया मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते हैं खासकर कि मेरी मॉम तो मैं यहाँ ना होती और उसके बाद जब आपकी शादी हो जाए तो आपका एक अच्छा हस्बैंड होना और उसको सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहती है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है कि औरत की को जब तक सपोर्ट नहीं होती ना तो उसको अच्छा भी नहीं समझा जाता अनफॉर्चुनेटली उमर भाई खातून है खातून की साइड तो लेंगी ना वो लेने दी नहीं 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 मैं बताता हूँ इसको कहते हैं कि मैं जब कोई अच्छी बात कर रहा होता ना तो इसमें वो एक बंदे में लुच तलवी होती है दरमियान में ये बहुत ही हम बैठ के देखो मलाला जहाँ पे है यूसुफ़ज़ई वो ना वहाँ ना होती जब उसके उनके डैड उनका साथ ना देते ठीक है मलाला की बात कहीं भी ना होती डैड ने दिया साथ तो शिव के में मलाला यूसुफ़ज़ई ऐसे लोग होते हैं जिनसे जिनको पता कुछ नहीं होता लोगों को ऐसे ना गलत रास्ता बता देते हैं और बात करते रहो उससे इनडायरेक्टली गालियां खाते हैं स्पेशली हमारे कल्चर में पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का सपोर्टिव एक बात तो एक बात तो मैं बिनिया के एग्री करूंगा देखिए दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर वीमेन इसमें कुछ शक नहीं है मैं ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म में ये बात करता हूँ कि मैं चूंकि आई एम अ सन ऑफ अ वर्किंग वीमेन अ ब्रदर ऑफ वर्किंग वीमेन हस्बैंड ऑफ वर्किंग वीमेन तो मुझे अंदाजा है कि वर्किंग वीमेन की जिंदगी हम वर्किंग मैन की निस्बत काफी मुश्किल है और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमें जो फेस करना ही नहीं पड़ती इनको बड़ी सख्त तरीके से फेस करना पड़ती है और जो कम अज कम हम सलूक करते हैं वो ये है कि यार अच्छा ये खातून और ये भी मैनेजर है और मैं भी मैनेजर हूँ ये कैसे हो सकता है तो वो एक टफ टाइम देना हम अपना फर्ज मंस भी समझते हैं तो ये बात तो सही है बट मुझे वो वाली बात एक बहरहाल मैं उसको उमर की बात को सेकंड इसलिए करूंगा कि कहा जाता है कि आफ्टर द एज ऑफ 13 अगर आप 13 साल की उम्र के बाद भी अपने वालदैन को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं वो भी इंसान है थोड़ा सा उनको माफ करें और आपने अगर देख लिया कि उनसे कहीं पे गलती हुई है तो यार 13 से 38 के दरमियान 25 साल गुजरे हैं आपने क्या तो कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाएं exactly. आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अगर इसलिए कई आसानियां पैदा कर दें जो आपके वालदैन बशरी तकाजे के तहत इंसान होने के नाते नहीं कर सके आपको कर दें बिल्कुल सही बात है और ये चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है कुछ मैसेज हमारे साथ मौजूद है उनको शामिल कर देते हैं तो पीर भाई अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बुजुर्गो क्या हाल है डॉक्टर साहब पीपल आर आस्किंग अबाउट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीडीपी ये इस बारे में हम बात करते हैं उसके साथ साथ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एट दिस प्लेटफॉर्म बिल्कुल पूछेंगे और उसके साथ साथ वेलकम बैक बाबा जी नहीं सॉरी बिंदिया जी बिंदिया शफकत आ गए शेख सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम और वो कहते हैं हालात पस भी हो तो हिम्मत रहे बुलंद इंसान जिस जमीन पर रहे आसमां रहे वाह 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 आज लगता है आपकी अम्मी ने आपके दांत भी ब्रश करके भेजे हैं क्योंकि आप अभी दंदिया निकालते हुए नजर आ रहे हैं हमें हाउ रूड मैन निदा बतूल हमें कह रही है आई एग्री विद बिंदिया और इनके भी हाथ में एक गलत काका है देखा वो सही क्योंकि मैं सही कह रही हूं बी के वुमन यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स वी गो थ्रू एज अ मैन इट्स रियली इजी टू से कि हां हां यार कोई बात नहीं ऐसा हो गया लेकिन बी के वुमन इट्स रियली टफ यार वो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल आज तक 1962 में यूके की एम्बेसी में डिफेंस का एक ब्रांच खुली थी राइट एम्बेसी के तहत लोग होके आते हैं यहाँ पे पोस्ट होके आते हैं 1962 से लेके 2012 तक यहाँ पे कोई औरत नहीं आई थी किसी बुनियाद पे कि औरत है क्या बाहर जाएगी पहली औरत आई यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान से टेन्योर पे यहाँ पे फर्स्ट पहली औरत आई है फरजाना जी जिनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया गया हालांकि उनको रिकग्निशन भी मिली उनको एप्रिसिएशन लेटर भी मिला हर एक से लेकिन क्योंकि वो औरत थी
अगले ने रिश्वत दी, रिश्वत दे के पोस्ट ऑफ पे आ गया, लेकिन उनका टेन्योर 3 साल बाद नहीं किया गया, क्या कहते एक्सटेंड। लेकिन ये उनको ये जरूर कहा गया कि तुम औरत हो, तुम जो हो वो कैसे जाके काम करोगी दियार खैर में। इस बुनियाद पे आप ये देखो, जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन सो शी कैन नॉट गो एंड वर्क अब्रॉड, लेकिन शी प्रूव हरसेल्फ अब्रॉड। तो ये चीज है जो वाकई बहुत जो है ना हमें सोचने की जरूरत, स्टिल अभी भी यही होता। अच्छा, ये यहाँ पर बड़ी क्लियर, अहमद ने भी वैसे उस बात को थोड़ा सा एड्रेस किया, लेकिन मैं यहाँ पर ये बड़ी क्लियर बात करना चाहूँ, यहाँ पे कोई हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आई एग्री विद अहमद एंड विद्या कि एक औरत को अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना माशरा लिबरल होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो हक नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। बट राइट नाउ बेसिकली अहमद जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, और आपको इस तरह के बड़े लोग मिलते होंगे जो अपनी जिंदगी का सारा मलबा जो है वो किसी और पे डाल देते हैं, और वो बंदे भी होंगे यकीन, वो उसमें मर्द हजरात भी होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ कि जिनकी जिंदगी में अभी भी, मतलब कहने का मकसद है कि despite of this fact if they are 35-40, उनके पास कोई, उनको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, उनका फौरन से पहले जो ब्लेम जाता है वो दूसरे की तरफ जाता है, ये उसकी वजह से हुआ है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उसने ये किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो मेरे बच्चे भी यही करते हैं जो माशाल्लाह से 7-8 साल के, ये बच्चों और बड़ों, और हम उसी लॉजिक पे लेके चल रहे हैं आगे। रुझान होता है उमेर आपका, मुझे आपको याद होंगे हमारे बड़े अच्छे प्यारे कुलीग थे रमीज अल्लाह वाला, वो बड़ी अच्छी बात किया करते थे कि दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं जो आप अपने घर में बड़ा करते हैं, एक होता है हाई ट्रस्ट एनवायरमेंट, एक होता है लो ट्रस्ट एनवायरमेंट। तो आप अगर अपने घर में हाई ट्रस्ट एनवायरमेंट डेवलप करते हैं तो उसमें लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे या बड़े सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, उसमें काम भी करते हैं, और गड़बड़ की जो जिम्मेदारी है वो अपनी कबूल करते हैं कि मुझसे गलती हुई है, और चोरी नहीं करते, बताते हैं, गाइड करते हैं। लो ट्रस्ट एनवायरमेंट में ब्लेम गेम होती है, और हर ब्लेम गेम से दूसरा निकलना चाह रहा होता है कि मैंने नहीं किया। तो जब ये देखेंगे ना, जिसने दूसरे पे डाला ना कि इसने मेरी जिंदगी खराब की है, तो वहां पर वो सामने खड़ा हुआ होगा, वो कहेगा नहीं तुमने खुद की है, तुमने खुद किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो उस लो ट्रस्ट एनवायरमेंट के प्रोडक्ट है, बिल्कुल उस लो ट्रस्ट एनवायरमेंट के प्रोडक्ट है। तो द बेटर इज के किसी को आप अगेन वो थोड़ी सी समझा दे इंसान कि यार थोड़ी सी हिम्मत करके टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शुरू करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, आपका पूरा हाई ट्रस्ट एनवायरमेंट क्रिएट होगा, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अभी अहमद थोड़ी देर पहले हमारे शो की डिस्कनेक्टिविटी हुई थी ना, तो हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ। अब इंटरनेट डिस्कनेक्ट इससे हुआ था कि मेरे ऊपर मसाले बच्चे खेल रहे थे, एक की गलती से वो जो मॉडेम था वो साइड पे गया छुपने के लिए, और वहां से उसकी कार डिस्कनेक्ट हो गई। अब मैं ऊपर गया, अब वो उसको एकदम से ना वो थोड़ा सा प्रेशर में बोलता था कि डैडी के चोर चल रहा है, और वो गड़बड़ हो गई। अब मैंने उसको बड़े आराम से पूछा, अब वो बिल्कुल रोने की कंडीशन में आ गया था। मैंने कहा यू डिड इट, तुमने किया, कहता है। मैंने कहा बिकॉज तुम अपनी गलती मान लोगे ना, मतलब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम अगर नहीं मानोगे हालात पे करोगे फिर यस यू माइट गेट द पनिशमेंट। तो ये बच्चों को भी ये एक माहौल देना, ये तुमने पहली दफा उनके साथ ऐसा किया, आगे उसने तुम अपने बच्चों के साथ करती हो वो मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे आराम से कहते हैं yes I did it so now what, thank you the truth is nothing now। बच्चे बेचारों के इसने अपने बच्चे बच्चों के और अपने हस्बैंड के बसारों के बाल ही लंबे ऐसे से रखवाए हैं ताकि पकड़ सके उनको यहाँ से। अच्छा बिंदिया देखें पीछे खाना खुल गया, आपको पता है खाना खुल गया। ओह माय गॉड सर, मैंने बताया ना इंतजामिया में देगा ही पकवा के आइए उन्हें। अच्छा वैसे आपकी बड़ी गहरी नजर है इजाज़ साहब उस खाने पे, मुझे तो उस पे खुशी हुई है यार, मैं देख ही रहा हूँ, मैं पीछे से एकदम मैं बिंदिया को तो देख ही नहीं रहा, मैं तो पीछे देख रहा हूँ। आपको पता है पिछले दो काफी दिनों से चल रही है, उसमें लोग अपने आप को बुजुर्ग करके दिखा रहे थे, इजाज़ भाई ने भी वो फेस ऐप यूज की कि मैं कुछ सालों बाद कैसा होगा, फेस ऐप ने आगे हाथ जोड़ दिए बुजुर्गों और किन्ना और
कितना बुरा होना है। मैंने उसको रिवर्स कर दिया है, मैंने उसको रिवर्स कर दिया है और मैं हेजिटेट कर रहा हूँ कि वो पिक्चर लगाई जाए या ना लगाई जाए। हाय हाय, आपका आपका ख्याल है कि जो है ना वो यहाँ पे कत्लो गारत हो जाएगी अगर वो पिक्चर लग गई है। मुझे मेरी फोटो भेजी तो मेरी दूसरी बहन ने कहा हमारा ग्रुप है तो मेरी दूसरी बहन कह तुम चाहती क्यों बूढ़ी हो मुझे ये बताओ पहले। सवाल किया। लेकिन ये बिंदिया वैसे एक बात बताओ, खवातीन क्यों नहीं अपनी वो फेस एक में बुढ़ापे वाली तस्वीरें लगा रही। मैंने बहुत कम अहमद डॉक्टर साहब और अहमद आपने देखा वैसे किसी खातून को, मैंने बड़ी कम खवातीन को देखा है। मैंने चंद खवातीन को देखा है लगाई, चंद खवातीन को जिन्होंने डेयर टू ड्रीम किया। एक डेयर टू ड्रीम, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा टॉपिक है आज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिंदिया अपने ख्याल का इजहार कर चुकी है डेयर टू ड्रीम पे। बिंदिया अपने ख्याल का इजहार कर चुकी है। बिंदिया कह चुकी है कि जी मैं ख्वाब देखती हूँ और मैं उनको पूरा करने की जो है वो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं खुली आंखों से और बंद आंखों से दोनों से ख्वाब देखती हूँ। हाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे ख्वाब पूरे करूँ और अभी तक टच वुड जितने मैंने ख्वाब देखे उनको कह सकते हैं आधे तक पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह होगा अजरक की शर्ट बनाने वाला बिंदिया का ख्वाब। अजरक आ गई है, अजरक आ गई है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम खाना कह रहे हैं कि कोई बंदा भूल के भी लंदन आने वाला होता है ना पूरी लिस्ट पहुंच जाती है उसके पास ना बिंदिया की, वो बंदा पछताता है कि मैं लंदन आया क्यों। तो बिंदिया अपनी बकेट लिस्ट कब शेयर करने वाली हैं आप हमारे साथ? आप आ रहे लंदन? सही है, मैं लंदन आ जाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आना तो है मुझे। हमको उतना ही मिलता है जितनी हम कोशिश करते हैं। काश ये चीज वो कहते हैं ना कि इंसान को समझ आ जाए, समझ में आ जाए। बिल्कुल। बिली सुमान कह रही है इस्लाम प्लीज वी मिस दो जरूर, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम तो तैयार हैं, हमने बड़ा इनवाइट किया, हमने बड़ा इनवाइट किया उसको, हमने दो दफा किया था। आमना शाहिद सिंह, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, थैंक यू सो मच। एंड उसके साथ साथ वेलकम आवर रिस्पेक्टेबल गेस्ट, वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ शफकत साहब, बुरा वक्त गुजर जाता है मगर हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। और उमेर सर, मैं मसवाक और ब्रश रोज करता हूँ जी, क्या बात है, बात है, मसवाक की और ब्रश की ना, आजा मम्मी दिखा रहे हैं इसकी क्या वजह। एंड तफसील साहब बिंदिया कह रहे हैं आई डिसएग्री विद बिंदिया, देयर आर टू वुमेन काउंसलर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान इन यूएसए एट द मोमेंट, दैट्स अ फैक्ट। मैं तफसील साहब ये नहीं कह रही काउंसलर सो राइट, काउंसलर जनरल नहीं आए, डिफेंस में कभी कोई नहीं आई, डिफेंस में 1962 से लेकर 2012 तक कोई नहीं आई, 2012 में एक खातून आई है अभी तक, वाहिद खातून डिफेंस में, बिकॉज आई डिडंट नो दिस, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि लाइक डिफेंस एम्बेसी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एक पाक फौज का होता है, एक डिफेंस का होता है, एक फाइनेंस का होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंस फोर्स। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन दुनिया की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म भी तो हमारे मुल्क से ही थी। मैं वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रही, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थी ना, बाहर तो नहीं गई थी ना, टॉकिंग अबाउट वुमेन मौजूद है तो किसी और की दाल कहाँ गल सकती है बिंदिया, बिंदिया 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 है तो इसके 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 सामने सिर्फ इसके हस्बैंड की दाल गल सकती है, और वो भी कुकर के अंदर, क्योंकि सारा खाना तो बेचारा वो बनाता है। Exactly. वो बेचारा मेरा भाई फैसल, डेयर टू ड्रीम
डेयर करता ही रहता है, ये उसकी डेयर जो है ना ये पूरी नहीं होने देती, ये उनका डेयर है। मेरा ख्याल घर की बातें घर में रहने दे, तुम्हारे जिंदगी के स्यापे नहीं मिलते। हम यहाँ पे, मैं कहता था ना अहमद, मैंने कहा था ना इंटेलेक्चुअल बातों में ये इस तरह की चीजें जो है ना, नहीं मुझे तो, मुझे तो डर लगने लग गया है उमेर एंड बिंदिया कि आप मेरे घर के बातें ना बाहर निकाल दें, मेरा ख्याल रहने दे। वैसे बिंदिया, वैसे बिंदिया एक चीज और अब मेरी नजर गई है, वो आपके झुमके में गई है और फौरन जो है ना वो मुझे डायलॉग याद आ गया कि कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसके हैं ये झुमके। अनारकली के हैं ये झुमके, अनारकली के हैं झुमके। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, अहमद, डेयर टू ड्रीम जी, डेयर टू अहमद, हमारे अब स्ट्रेटजी में कौन सी ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए, कौन सी ऐसी आजकल, वैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी पता है आ गया है और डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे, अहमद आप भी एग्री करेंगे, हमें इंटरनेट पे इतनी मोटिवेशन अब मिलने लग गई है ना, अब इतना मोटिवेशन स्टफ हमें अवेलेबल है ना, इतने हर बंदा उठ के जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, डिस्पाइट मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए, लेकिन आपके अपने क्रेडेंशियल्स क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या आपकी जिंदगी इतनी मिसाली नहीं है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इस दुनिया में चेंज ला के, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग एक उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं कि लेट्स सपोज 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, वो कहते हैं यार मेरी जिंदगी में अब तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्या व्हाट डू यू थिंक, क्या उनकी चेंज ये सोच सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सोच ठीक नहीं है। एक चीज समझने की जरूरत है, कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट अ फेल पास टेस्ट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप कहीं पे भी फुल स्टॉप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि फितरत ने आपका फुल स्टॉप नहीं लगा दिया, आखिरी सांस नहीं निकल गया जब तक। उसके साथ उसके पहले जो जो कुछ आप करते चले जा रहे हैं वो आपके उस प्रोसेस का हिस्सा है, इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। तो आपको अगर लगता है कि आपने एक चीज अचीव कर ली और अब एक फुल स्टॉप आ गया है, तो अब आप उठें, दोबारा खड़े हों, वो जो मैं बात कर रहा था पलटना झपटना झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो आपको खुद एक नया माइलस्टोन तय करना है, एक नया माइलस्टोन डिसाइड करना है और उसके लिए भागना है। तो वो मुसलसल, वो जिंदगी जो है ना जहद मुसलसल जिसको कहते हैं ना, वो है। इवन एक बात तो ये कहते हैं कि समझता है जो मौत खाबे लहद को, नेहा उसकी तामीर में है खराबी, वो तो कहते हैं कि मौत भी एक जो है ना प्रोसेस है, एक से दूसरी जिंदगी की तरह स्विच है। तो आप अगर इस जिंदगी को दरमियान में अधूरा छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप असल में फितरत के डिजाइन के साथ टक्कर ले रहे हैं, तो कैसे जीत पाएंगे? बेशक 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 बेशक। वो इस बात पे मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, मुझे नहीं पता शायर कौन है। यार एक मिनट, एक बात कहना चाहती हूं मैं, बाद में तुम शेर बोले ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं मुझे सब कुछ आता, जी एक शायर का भाई हूँ, शायर का दोहता हूँ, मेरे नाना शायर थे, मेरे भाई जो है वो शायर हैं, उनकी चार माशाल्लाह किताबें हैं। उमेर नोज हिम वेरी वेल, शायरा की बेटी हूं, एक मेरे फादर भी शायर थे, मुझे फिर भी अच्छा, शेर। अच्छा वाओ, माशाल्लाह से अबीदा सैयद रेडियो पाकिस्तान का काफी जगमगाता सितारा रह चुकी हैं और अभी भी माशाल्लाह से उनको बहुत इफेक्ट है उनकी। हाँ, इसको याद नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे वो एक शेर कहने लगा था कि हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शल और चौके सफर भी नहीं जाता। तो जब आप के अंदर एक जस्तुजू होती है ना, करंट होता है कि यार अब मैंने करना है, अब मैंने करना है। और मोस्टली हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, इजाज भाई आप इस बात पर थोड़ा सा आपका भी ओपिनियन चाहूंगा, कि हम लोग की ना मोस्टली आउटपुट हमें आती है
बहुत लिमिटेड जब सर्कमस्टेंसेस हमारे पास रह जाते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल वो कहते हैं ना कि डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, अदरवाइज जब तक हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती है ना, हम उन ऑप्शंस की बेस पे ना अपनी जिंदगी को रेड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं, गुजारते रहते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा नहीं होता है कि जब तक हम बिल्कुल एक नहज पे ना पहुंच जाए तब तक हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला तक ले नहीं पाते हैं? मेरे ख्याल है अमर भाई के हम में से बहुत सारे लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, प्रॉपर अपनी लाइफ प्लानिंग नहीं करते, ठीक है ना। उसमें हमें ये देखना होता है कि भाई हमने क्या करना है, वही वाली बात आ गई फिर डेयर टू ड्रीम के, यार हमारा विजन क्या है, हमें कहाँ होना है, अब से 5 साल बाद कहाँ होना है, 10 साल बाद कहाँ होना है, 20 साल बाद कहाँ होना है, क्या करना है हमने। वी डोंट डू दैट अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें फिर ये होता है कि ठीक है यार, जो सामने आ गया वो कर लिया, जो सामने आ गया वो कर लिया। पता चला कि उन सामने आ गया कर लिया तो ठीक है, हमारा किचन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हम अचीव करना चाहते थे लाइफ के अंदर या जो बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, और वो खाली से कमें जो है वो हमारे अंदर रहती है, और वो सारे के सारे ऑप्शन से हम इस तरीके से अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर विजन के साथ हम अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो मेरा ख्याल है कि मीनिंगफुल ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, और तमाम हमें सहूलियात भी मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं। बेशक। अच्छा अहमद, एक चीज मैं आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट पूछनी है, लेकिन कुछ मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे लुबना महमूद कह रही है वालेकुम अस्सलाम, और कह रही है कि अहमद फवाद को बड़ी देर बाद देखा, काफी देर बाद देखा। ये कह रही है कि उमेर भाई आपको कुछ दिन बाद देखा, आपकी खैर है, अहमद करते हैं। नहीं, लुबना असल में हमारी बहुत रेगुलर रेडियो लिस्टर है, और रेडियो के जो प्रोग्राम हम करते हैं एफएम पे, तो कुछ अर्से से मैं नहीं जा पा रहा, दैट इज व्हाई उन्होंने शेयर किया। तो यस लुबना, वी टू आर मिसिंग। अच्छे जी, उसके साथ साथ वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू बी प्रोएक्टिव, दैट वी आर इन चार्ज ऑफ आवर डीड, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और उसके साथ साथ बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, ये जीत जाते हैं, कुछ ठीक जाते हैं, कोई चक वाली बात नहीं। एंड आमना शायद कह रही डे टू ड्रीम, और यार कुछ को कदम कदम हमने यादगार बना दिया, डे टू ड्रीम, वाह वाह वाह। और सफीरा ओके कर रही है, यार हमने कदम कदम से यादगार बना दिया, सफीरा। एंड उसके साथ साथ अजीम चौबीस कह रहे हैं फाइनली ऑन एयर आई जॉइंड, और उसके साथ साथ डांडला साहब, मलिक इजाज साहब, अजहर साहब कह रहे हैं आज के शो को इजाज साहब और अहमद भाई ने की चमोलियत ने 4 चांद लगा दिए। इनके पास अपना भी जाती चांद है, जगमगाता हुआ चांद। और पूछता थे किथे चंद चढ़ाया है। अच्छा जी, उसके साथ साथ राहे यार को तुझको कदम कदम हमने यादगार बना दिया, और आपने इसको मुशायरा बना दिया। क्या बात है, आपने तो इसको मुशायरा बना दिया। और वीडियो इज नॉट शोइंग, बिनेश आई होप कि आपको वीडियो आ रही होगी। उसके साथ साथ सही बात है, जब तक लाइफ में किक नहीं पड़ती तब तक हम कोई बड़ा फैसला नहीं करते, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड अली गोहर हमारे साथ मौजूद है, अरे वाह राणा उमेर बिंदिया नाइस, थैंक यू सो मच अली गोहर, गुड टू सी योर मैसेज, हमारे एक बड़े दोस्त हैं, और माशाल्लाह से ही आल्सो डूइंग शोस रेडियो के बड़े लोगों से प्रेजेंट रहे हैं, गुड टू सी योर मैसेज। एंड विद दिस वी हैव गॉट अजीम शोब इज वाचिंग यू फ्रॉम ईरान, ईरान में शो देखना शुरू हो गए, पाबंदियां बड़ी होती हैं ईरान में, इराद भी ऐसा होता है, पाबंदियां हैं ईरान में। मेरा ख्याल है कि आपका ईरान जो है वो लिबरल हो रहा है और उस तरफ जा रहा है मेरा ख्याल है, और हमने बिंदिया को लूज कर दिया, बिंदिया टाटा बाय बाय कह के चली गई वो नहीं, मैं अक्सर वो मैंने कहा तुम ऑन एयर बोल देती बाय बाय, हाँ तो और क्या, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनको मौका देना चाहिए था हमें, बट एनीवेज बिंदिया बहुत अच्छी होस्ट है माशाल्लाह से, और मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता क्योंकि इतनी अच्छी वो होस्ट करती है माशाल्लाह से, उनका रेडियो शो हम देखते रहते हैं फेसबुक पर, और नहीं यार मैं तो समझा चली गई हो वाकई।
मेरी इतनी तारीफ है, ये कौन कर रही, कौन से दिल से कर रहे हैं, मैं देख तो लूं। मैं तो बहुत सुकून से था, मैंने कहा चलो यार कुछ ठीक है, कुछ शो करने का मौका मिल गया। बिंदिया इख्तितामी कलमात जो होते हैं ना, ये वो अदा करना शुरू हो गए थे इजाज भाई। मुझे कह रहे थे इजाज भाई, कह रहे थे मैं बिंदिया को रिप्लेस करने की बिल्कुल सलाहियत रखता हूँ। आपने सुना था, मैंने कहा था नहीं रखा, मैं प्लीज डोंट बी पपे कुटनी, डोंट बिकम पपे कुटनी, मत बने, डोंट बी जो ना यू नो आई जस्ट सी डोंट बी अ पपे कुटनी, ओ माय गॉड पपे कुटनी, व्हाई डोंट यू गो पपे कुटनी, या डोंट, कितनी मुश्किल तुम्हारी आदत छुड़वाई थी बिंदिया, जा रहे हो बिंदिया, गो एंड ईट योर कसम। क्या हुआ, अब आपको भूख लग गई या नहीं? यकीनन खाना मैं देख रहा था कि मतलब डिशें खा रहे थे लोग। खाने की भूख नहीं है, जाके इंतजाम करने शादी में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत शुक्रिया। जरूर देखने चाहिए, पूरे हो या ना हो लेकिन खाब पूरे होने की उम्मीद जरूर होनी चाहिए। इसी बात के साथ आप सबको कहते हैं ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज बहुत मजा आया। अब ना वापस आना प्लीज, मैं नहीं आ रही ओके, यू गाइस टेक केयर, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सौतन के साथ बात करके अच्छा लगता है, और ये शायरी वाला काम तो मैंने जरूर करना है अब, ये मैंने पास करो, मैंने टॉपिक अच्छा, ही वो बात ही वो करनी जिसमें मुझे शेर आता होगा, ठीक है ना। अच्छा बिंदिया एक सेकंड, मैं पक्की सौतन बन गया हूँ, क्योंकि आप देखिए मैं किस तरफ नजर आ रहा हूँ, मेरे आपका लोगो मेरे ऊपर नजर आ रहा है, मैं बिल्कुल मैं होश की जगह पे बैठा हूँ। वही ना, ए, ये लाना मेरे तो मुझसे मार खाएगा अच्छा अहमद, मैंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी, वो ये कि हाउ इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन इज व्हेन यू हैव टू परस्यू योर गोल्स, व्हेन यू हैव टू यू नो व्हेन यू परस्यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स, हाउ इम्पोर्टेंट द डिसिप्लिन इज। ओ आपने ये इतना अच्छा सवाल किया है मेरे दिल के बिल्कुल करीब, और इसका मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि वसीम अकरम से जब पूछा गया ना कि तुमने 92 की जो गेंद की थी एनएलएम को जिसने वर्ल्ड कप जितवाया था, दूसरी वाली से पहले वाली, रे आपको याद हो गए, दो बॉल थे, एक पे एनएलएम आउट हुए थे, क्रिस लुईस आउट हुए थे, हाँ दूसरे पे क्रिस लुईस, जो पहली वाला बॉल था ना वो था ओवर का पांचवा बॉल था एनएलएम वाला। नील फेयर ब्रदर जो दूसरे एंड पे थे वो उन्होंने कहा कि एनएलएम को जाके, वो उसके वसीम अकरम के काउंटी में साथ इकट्ठे खेले हुए थे, तो नील फेयर ब्रदर ने कहा कि मैंने एनएलएम को जाके कहा कि जब तुम सामने आओगे ना तो ये राउंड द विकेट आएगा और तुम्हें ये ऑफ स्टंप मिडल टू ऑफ करेगा आउट स्विंग, तो जरा ध्यान से, कहते मैं अभी कह के वापस आया हूँ और आके मैं खड़ा हुआ तो वसीम ने उधर से यही वाला बॉल किया और वो बोल्ड कर दिया। अच्छा वसीम ने से पूछा जबकि यार ये आपने क्या किया और यू आर दिस मच प्रेडिक्टेबल फिर भी आपने आउट कैसे कर लिया, तो वसीम ने कहा कि मैंने ये पहली दफा ये बॉल नहीं किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 साल हो गए मुझे ये बॉल करते हुए और नेट प्रैक्टिस करते हुए मुझे कम अज कम 15 साल हो गए थे ये बॉल डिलीवर करते हुए, आई न्यू कि किस जगह पे किस पॉइंट पे ये बॉल पिच होगा तो एनएलएम जो है ना वो डिसीव हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू हिम वो कहता है यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, एब्सोल्युटली सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, तो वो जो डिसिप्लिन है ना उमर, जो किसी भी ग्रेट आदमी को देख लें, तमाम लोग एक खास तरह के 24 आवर्स को गुजारने के आदि होते हैं, इत्तफाकन कुछ नहीं होता, आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं होता, इट टेक्स 20 इयर्स टू गेट एन ओवरनाइट सक्सेस, इट टेक्स 20 इयर्स टू गेट एन ओवर, तो वो जो 20 साल की रियाजत कह लें या डिसिप्लिन कह लें
मोटिवेशन से ज्यादा कीमती डिसिप्लिन है। बेशक सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे मैं देखी यहाँ पे मैं नेट में होते थे और वो अपनी थ्रू आउट करियर में जारी रखा है। वो वर्ल्ड कप जीते, वो वर्ल्ड कप से नेक्स्ट डे भी उसी चीज में मौजूद थे, लास्ट में मौजूद थे, व्हिच रियली इट्स वेरी ग्रेट, इट्स वेरी ग्रेट, हु विल डेफिनेटली एज अ लेजेंडरी प्लेयर इन क्रिकेट में एंड सक्सेसफुल पर्सन आपके आपके इस बारे में आपके इस बारे में कामयाबी और डिसिप्लिन जी उमेर भाई अभी आवाज आपकी फिर डुप्लीकेट हो रही है और मेरी भी हो रही है और मेरी भी हो रहा है क्या इसकी कोई लिमिट है कोई डिबेट है आपके बाद प्रॉब्लम कर देता है आपके बाद मेरा देता है प्रॉब्लम मेरा भी रास्ता है आपका मेरा भी रास्ता है आपका भी इसे जरूर हम इसको पिकअप करते हैं कि क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है लेकिन जहां तक डिसिप्लिन की बात है डिसिप्लिन की बात है अचीव करने में गोल्स करने में गोल्स मैं समझता हूं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जब तक कि हम अपना प्लान हम मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन हमें कोई चीज अचीव कोई भी चीज मैं समझता हूँ तो आपको यकीन उससे बढ़कर इनका उम्र है आपका बहुत शुक्रिया मैं आपने बुलाया और हमेशा आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। जाते जाते मुझे बिंदिया फिर डांटेंगी लेकिन एक बड़ा रेलेवेंट शेयर याद आ गया आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। हाँ हाँ सुनाए। ख्वाब देखने वालों को मैं कहता हूँ कि तुम में शायद ध्यानवी का शेर है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर। सो इट्स दिस सिंपल, आपको बगावत करनी पड़ेगी ख्वाब देखने के लिए उसको पाने के लिए एफर्ट और जिससे बगावत करनी पड़ेगी और थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू।
Ahmed. Or again, Dare to Dream was the topic, and we really, really, really had fun. Discussion बहुत ज़्यादा अच्छी भी रही. और basically पता है क्या बात है, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम आपको किसी न किसी चीज पे मोटिवेट करते रहे. वी ट्राई नॉट टू डिस्कस द पॉलिटिक्स, वी ट्राई नॉट टू डिस्कस द नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. हर बंदा उस बारे में बात कर रहा है. हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन तमाम चीजों से. आप जहां भी जाएं आपको फुल टाइम नेगेटिविटी फीड की जा रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइंड में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज के गिर्द घेरे रखें, और हमारी जितनी भी हम अपनी तौर पर कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं. आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और फीडबैक देने के लिए यू गाइस कैन ऑलवेज सेंड अस मैसेज. और कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना, उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं. जाते थे कुछ मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते चले. एंड अच्छा जी, Ali Ghor is saying, really nice to see you guys. And Ahmed Fawad, thank you so much, Ali. Good to see your message. And so do you guys play songs here too? We try to play songs, but unfortunately, due to the Facebook policy, if we play any song, to wahan pe copyright ka issue aa jata hai, is tarah se nahi kar paate. Koshish badi ki humne. Achha, uske saath saath we have got, and how long this is going on, what's the format, loving it, thank you so much, Ali. Basically this show, it's been going on, it's been 1.5 years now. Desi Online ke naam se humne show ko start kiya. Bindiya aur main show ko leke chalte hain, aur ye show, ek idea aaya mere zehen mein, हमने इसको एग्जीक्यूट किया. मैं यहाँ से आता हूँ, बिंदिया मुझे लंदन से ज्वाइन करती है, और इसी तरह से हम गेस्ट कभी पाकिस्तान से, जिस तरह इजाज़ भाई कनाडा से हमारे साथ मौजूद थे, लंदन से, अब दुनिया में हम डिफरेंट जगहों से जो है वो गेस्ट को अपने लाइव लेते हैं. वी हैव यू नो चिटचैट हमारी चलती रहती है. सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ हमारी, मैं बल्कि रेडियो पे भी एक दो शोज प्लान कर रहा हूँ. कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो उस बारे में भी. और अगेन वी वुड लव टू हैव यू इन आवर शो एज वेल. सो इंशाल्लाह आपसे भी जल्द मुलाकात और बात होगी. एंड विद दिस वी हैव गॉट अजीम शो विद सेइंग फनी. एंड बिंदिया शादी इंजॉय कर रही है और हम अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं. आए हाय दुखती रग, यानी कि ठीक है अगला और अभी शादी, उनको खाने में कोई मसला आ गया ना तो ये शफकत की नजर लगेगी डेफिनेटली. एंड आमना शाहिद इज सेइंग, राणा उमेर भाई रियली नाइस कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच. एंड अजीम चौबे इज सेइंग रियली नाइस ऑफ यू. एंड उसके साथ साथ मलिक साहब कह रहे हैं गुड टॉपिक, डिस्कशन वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच. ऑडियो का इशू फिर आ गया था जिसको अब हमने टिश्यू करके फारिग कर दिया है. एंड 83rd एपिसोड स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच. 83rd एपिसोड बड़ी लंबी हो गई, बट वो कहते हैं जहां पर इंटरेस्टिंग गुफ्तगु चल रही हो और अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगु चल रही हो, तो उसको अगर हम थोड़ा सा लंबा भी तवील भी कर दें तो उसमें कोई मजायका नहीं है. मेन थिंग वॉट इम्पॉर्टेंट इज कीप योर सेल्फ सराउंडेड टू विद दोज पीपल हु मोटिवेट यू, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं. आई नो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपना ताल्लुक नहीं तोड़ सकते, इसमें आपके रिश्ते होते हैं, बेसिक रिश्ते होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को आप मैनेज किस तरह से करते हैं, अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो स्टे पॉजिटिव, डेयर टू ड्रीम, ख्वाब देखना मत छोड़ें, ख्वाब को पूरा होने की शर्त ना रखें लेकिन ख्वाब देखना मत छोड़ें, और ख्वाबों को पूरा करने की जुस्तजू भी करना मत छोड़े, क्योंकि आपकी जब तक जुस्तजू, आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, आपकी लगन बरकरार रहेगी तब तक आप जिंदगी में जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, और जहां पे वो जुस्तजू खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी का एक, वो कहते हैं ना कि सर्कल ऑफ जो आगे जाने वाला होता है वही वहीं पे तमाम हो जाएगा. इसी बात के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे आने वाला वीक ही बताएगा. टिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ विद मी मैट साइनिंग ऑफ थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड लव टू ऑल. 2 घंटे बोल के मेरी जबान भी जो है वो अब मेरा इस तरह साथ छोड़ गई है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.